हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जेई मेंस का मैट्रिसेस का क्वेश्चन 2023 का। ए इक्वल टू मैट्रिसेस गिवन है, बी गिवन है 1 माइनस एओटा 0 1, बेटा एओटा पता है अंडर रूट ऑफ माइनस 1, एम ऑफ ए ट्रांसपोज बी ए गिवन है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर। नाउ क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ए गिवन है, ए ट्रांसपोज पता है बेटा आपको, ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आप फाइंड आउट करोगे, ए है 1/√10, 3/√10, -3/√10, 1/√10 इंटू 1/√10, बेटा ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, 3/√10, -3/√10 एंड 1/√10। सिंप्लीफिकेशन करोगे अगर आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे, 1/√10 इंटू 1/√10, 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे टर्म बन जाएगी आपके पास, दिस नंबर इज 1/10 प्लस 9/10 -3/10 प्लस 3/10, नीचे वाली टर्म आ जाएगी -9/10 प्लस माइनस सॉरी दिस इनटू दिस -3/10 -3/10 प्लस 3/10, नेक्स्ट टर्म 9/10 प्लस 1/10, बेटा जो रिमेनिंग टर्म आपके पास बच जाएगी, दिस नंबर इज इक्वल टू 1001। मींस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो जाएगा, क्लियर टर्म। नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, नेक्स्ट टर्म बेटा बी फाइंड आउट करोगे, एक्चुअली बी टर्म, बी पता है 1 माइनस एओटा 0 1। नाउ बी स्केयर फाइंड आउट करो, बी स्केयर मींस बी इंटू बी, 1 माइनस एओटा 0 1, मल्टीप्लीकेशन करोगे, दिस नंबर इज 1 0, माइनस एओटा 0 0, नेक्स्ट नंबर 0 प्लस 1, जो टर्म आ जाएगी बी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एओटा 0 1, क्लियर। सिमिलरली बी क्यूब करोगे, बी क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एओटा 0 1, अप टू सो ऑन, बेटा बी 4 करोगे, 1 माइनस 4 एओटा 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली बी बी पावर 2023 रिक्वायर्ड होगा, बी 2023, बेटा अपने आप समझ आ जाएगा क्यों फाइंड आउट किया जाए टर्म, 1 माइनस 2023 एओटा 0 1, बेटा ये नंबर आ जाएगा, इसका भी यूज करोगे आगे क्वेश्चन, क्लियर है बेटा। नाउ एम, एम इज इक्वल टू टर्म पता है, एम इज इक्वल टू टर्म पता है ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज बी ए, एम इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ए है। नाउ एम स्केयर फाइंड आउट करो, एम स्केयर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ए इंटू इंटू ए ट्रांसपोज बी ए, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम स्केयर मीन्स दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, देयरफॉर दिस नंबर इज इक्वल टू एम स्केयर, ए ट्रांसपोज बी, दिस नंबर इज आई, आई इंटू बी इज बी, दिस नंबर इज बी स्केयर ए, दिस टर्म इज एम स्केयर, एम स्केयर आ गया। नाउ अगर एम क्यूब करोगे, एम क्यूब, एम क्यूब इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी स्केयर ए एम इंटू दिस नंबर इज एम स्केयर, एक्चुअली दिस नंबर इज एम स्केयर इंटू एम, एम स्केयर इंटू एम, वैल्यू ऑफ एम स्केयर, ए ट्रांसपोज बी स्केयर ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए, दिस वैल्यू इज अगेन आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगेन आई हो जाएगा, नंबर बच जाएगा ए ट्रांसपोज बी क्यूब इंटू ए, एम क्यूब आ गया। सिमिलरली बेटा एम फोर में बी फोर हो जाएगा, एंड एम 2023 में, एम 2023 टर्म में आंसर आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी 2023 इंटू ए, बेटा इसीलिए मैंने फर्स्टली बी 2023 फाइंड आउट किया था। नाउ फाइंड आउट करना है दिस वैल्यू एम 2023 इंटू ए, बेटा दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करो, ए एम 2023
इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज बी टू जीरो टू थ्री ए. बेटा दिस वैल्यू इज आई, दिस नंबर इज आई, आई ओनली ये नंबर बच जाएगा बेटा, पीछे वाली दो टर्म्स आ जाएंगे ओनली, बैक टू टर्म्स. नाउ मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज भी करो, ए एम टू जीरो टू थ्री, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, नंबर बच जाएगा टू जीरो टू थ्री इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज. अगेन दिस वैल्यू इज वन, ए एम टू जीरो टू थ्री इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी पावर टू जीरो टू थ्री, रिमेनिंग बच जाएगा बी पावर टू जीरो टू थ्री टर्म बच जाएगी. नाउ वैल्यू ऑफ दिस टर्म बेटा ऑलरेडी फाइंड आउट होगी, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, ए एम टू जीरो टू थ्री इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वैल्यू वन, वन माइनस टू जीरो टू थ्री ए उटा होल डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, नीचे वाला दो नंबर जीरो एंड वन. बेटा नंबर आ गया. नाउ फाइंड आउट करना है बेटा इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड आउट करना है. अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स मींस बेटा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ दिस होल टर्म फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला बता, इनवर्स मींस इनवर्स ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है. अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है, इट मींस एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट. बेटा एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे इनवर्स आ जाएगा. एडजॉइंट अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत इजी है. अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा, एडजॉइंट में दो टर्म्स इंटरचेंज करोगे, ये दो टर्म्स इंटरचेंज एंड साइन ऑफ दीज टू टर्म्स चेंज करोगे. एडजॉइंट फाइंड आउट करना डायरेक्ट वे बेटा, ये दो नंबर्स इंटरचेंज, डायंगल्स ऑफ मेन डायंगल इंटरचेंज एंड दोनों टर्म्स का साइन चेंज, डायरेक्टली एडजॉइंट आ जाएगा. टर्म्स इंटरचेंज एडजॉइंट बेटा, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू दोनों टर्म्स इंटरचेंज बेटा, वन वन सेम आएगा. साइन चेंज करोगे जो रिमेनिंग दूसरा डायगनल है जीरो, इसमें साइन आ जाएगा टू जीरो टू थ्री ए उठता, साइन चेंज हो गया. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बेटा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा वन माइनस जीरो मीन्स वन. बेटा एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, इनवर्स किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा, इनवर्स एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वन टू जीरो टू थ्री ए उठा जीरो वन डिवाइडेड बाय वन. बेटा ये फाइनल आंसर है, मीन्स ऑप्शन 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 डी, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी फाइनल आंसर है. क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें. थैंक यू स्टूडेंट.